हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एजुकेशन। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चैप्टर जिसका नाम है लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन। वी ऑल क्वेरल विद आवर फ्रेंड्स व्हाइल प्लेइंग। हाउ मच टाइम डज वन टेक टू फॉरगेट अबाउट द क्वेरल एंड बी फ्रेंड्स अगेन। दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड टू फ्रेंड मलाइशा एंड अकोलिया। ठीक है, ये जो है दोस्त फ्रेंड्स के बारे में है। क्या है, फ्रेंड्स जब होते हैं किसी से आप दोस्ती करते हैं तो बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते हैं, है ना। बार बार हमें हमारे फ्रेंड्स से हमारा झगड़ा हो जाता है लेकिन फिर हम उस चीज़ को भूल के फिर से दोस्त बन जाते हैं। तो ये इसी टाइप की कोई स्टोरी है। इट वॉज एन अर्ली ईस्टर, स्लेजिंग वॉज ओनली जस्ट ओवर, स्नो स्टिल ले इन द यार्ड्स एंड वाटर रैन इन स्ट्रीम डाउन द विलेज स्ट्रीट। ठीक है, क्या है कि ईस्टर मतलब कि जो क्रिसमस है वो अभी शुरू हुआ था, और स्लेजिंग जब स्नोफॉल होता है तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे लोग एक गाड़ी यूज़ करते हैं जिसको स्लेज कहा जाता है। ठीक है, तो स्लेजिंग जो है अभी अभी ख़त्म हुई थी लेकिन अभी भी रास्तों पर स्नो पड़ा हुआ था, और अब जो बर्फ़ पिघल रही थी तो सारे गांव के जो सड़कें थीं उसके ऊपर क्या था, पानी जमा था। टू गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट हाउसेज हैपन टू मीट इन अ लेन बिटवीन टू होम स्टेट वेयर द डर्टी वाटर आफ्टर रनिंग थ्रू द फार्म यार्ड्स एंड फॉर्म अ लार्ज पडल। ठीक है, क्या हुआ कि दो लड़कियाँ थीं और वो लोग एक जगह मिलती हैं। ठीक है, मतलब कि एक रास्ते पर मिलती हैं जहाँ पर जो है एक पडल बना हुआ था, मतलब कि कीचड़ वाला गड्ढा बना था, जो पानी जो स्नो का पानी था तो वो जैसे कि खेतों से और इस तरह की जगह हो सके, मतलब मिट्टी कीचड़ बन गया था वो पानी। वन गर्ल वॉज स्मॉल द अदर वॉज लिटिल बिगर, एक लड़की थोड़ी छोटी थी और एक थोड़ी बड़ी थी। देयर मदर हैड ड्रेस्ड देम बोथ इन न्यू फ्रॉक, द लिटिल वन वोर ब्लू फ्रॉक एंड द अदर वोर येलो। ठीक है, जो छोटी थी उसने ब्लू पहना था और जो बड़ी थी उसने येलो पहना था, और दोनों ने नए नए कपड़े पहने थे। दे हैड जस्ट कम फ्रॉम द चर्च व्हेन दे मीट एंड दे फर्स्ट शोड ईच अदर देयर फाइनरी एंड दे बिगेन टू प्ले। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो लोग अभी अभी चर्च से आई थी और उसके बाद सबसे पहले तो वो लोग एक दूसरे को अपने कपड़े दिखाती हैं और उसके बाद जो है खेलने लगी। सून द फैंसी टुक देम टू स्प्लैश अबाउट इन द वॉटर, द स्मॉलर वन वॉज गोइंग टू स्टेप इन द पडल शूज एंड ऑल व्हेन द एल्डर चेक्ड हर। ठीक है, और उसके बाद खेलते खेलते क्या हुआ कि जो छोटी वाली थी उसको मन हुआ कि जो वो पानी में जाके स्प्लैश करें, पानी में जाके कूदे। ठीक है, तो छोटी वाली वो जा रही थी पडल की तरफ लेकिन बड़ी वाली ने उसको क्या किया, रोक दिया। डोंट गो इन सो मलाइशा, सेड शी, योर मदर विल स्कोल्ड यू। आई विल टेक ऑफ माई शूज एंड स्टॉकिंग एंड यू टेक ऑफ योर्स। तो बड़ी वाली जो लड़की थी उसने उसको क्या कहा कि अंदर पानी में ना जाओ, ठीक है, भाई मम्मी तुम्हें डांटेंगी, मैं अपने जूते उतार लेती हूँ और मोजे उतार लेती हूँ और तुम अपने उतार लो। ठीक, दे डिड सो एंड देन पिकिंग अप देयर स्कर्ट बिगेन वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर थ्रू द पडल। द वॉटर केम अप टू मलाइशाज एंकल एंड शी सेड इट्स डीप अकोलिया आई एम अफ्रेड। इसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों ने मोजे और जूते उतार लिए और अपना स्कर्ट उठा के उस पडल में चली गई, क्योंकि वो मलाइशा छोटी थी तो पानी जो है उसके एंकल तक आ रहा था। तो उसने अकोलिया को क्या कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा गहरा है, मुझे डर लग रहा है। कम ऑन रिप्लाइड द अदर, डोंट बी फ्राइटेंड, आई वॉन्ट गेट एनी, इट वॉन्ट गेट एनी डीपर। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि डरो नहीं, ये इतना भी गहरा नहीं होगा। When they got near one another, Akolia said, "Mind, Malaysia, don't splash. Walk carefully." ठीक है, जब वो लोग एक दूसरे के करीब पहुंची तो अकोले ने क्या कहा कि पानी को स्प्लैश मत करना, याद रखना मलाइशा पानी को स्प्लैश मत करना। शी हैड हार्डली सेड दिस व्हेन मलाइशा प्लम्प डाउन हर फुट सो डैट द वाटर स्प्लैश राइट ऑन द अकोलियाज फ्रॉक, द फ्रॉक वॉज स्प्लैश एंड सो वेर अकोलियाज आइज एंड नोज।
When she saw the stains on her frock, she was angry and ran after Malaysia to strike her. Malaysia was frightened, and seeing that she had got herself into the trouble, she scrambled out of the puddle and prepared to run home. जैसे ही अभी कोलियन ने उसको वार्न किया था मलाइशा को कि देखो पानी ना फेंकना नहीं तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, उसी टाइम में जो है मलाइशा ने जोर से पानी के ऊपर पैर डाला और उसके बाद सारे कपड़े जो कोलिया के थे वो गंदे हो गए और उसके आँखों पर और नाक पर भी वो गंदा पानी चला गया। उसके बाद जो है कोलिया के पूरे कपड़े जो है गंदे हो चुके थे। वो मलाइशा के पीछे भागी उसको मारने के लिए। मलाइशा जो है बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, उसको पता चल गया था कि उसने कुछ गलती कर दी है और वो जल्दी से भागी कहाँ पर, अपने घर की तरफ। अकोलियस मदर हैपन टू बी पासिंग एंड सीइंग दैट हर डॉटर स्कर्ट वॉज स्प्लैश एंड हर स्लीव्स आर डर्टी, शी सेड यू नॉटी डर्टी गर्ल यू, व्हाट यू हैव बीन डूइंग, मलाइशा डिड इट ऑन पर्पस, रिप्लाइड द गर्ल। उसी टाइम पे अकोलिया की माँ वहाँ आ जाती है और उसने देखा कि उसकी बेटी के सारे कपड़े गंदे हैं तो वो गुस्से में हो जाती है और कहती है कि तुमने ये क्या किया अपने कपड़ों के साथ। तो अकोलिया ने बताया कि नहीं, मलाइशा ने ये सारा कुछ किया है। एट दिस अकोलियाज मदर सीज मलाइशा एंड स्ट्रक हर ऑन बैक, ठीक है, इसी टाइम में अकोलिया की माँ ने मलाइशा को पकड़ा, उसके पीठ पे मारा। मलाइशा बिगेन टू हॉल सो डैट शी कुड बी हेयर ऑल डाउन द स्ट्रीट, हर मदर केम आउट। और वो मलाइशा बहुत ज़ोर से रोने लगी, इतनी ज़ोर से रो रही थी कि उसकी मम्मी भी वहाँ आ गई और सारे लोग वहाँ जमा हो गए। वाई आर यू बीटिंग माई गर्ल फॉर, she said and began scolding her neighbor. One word led to another and they had an angry quarrel. The men came out and a crowd collected in the street, everyone shouting and no one listening. They all went on quarreling till one gave another a push and the affair had nearly come to blows when Akolia's grandmother, stepping in among them, tried to calm them. Why are you, what are you thinking of, friend? Is it right to behave so on a day like this too? It is a time for rejoicing and not for such folly as this. अब जो है सारे, अब वो जो है जब मलाइशा की मम्मी आ गई और उसने कहा कि तुम मेरी बेटी को क्यों मार रही हो, और उसके बाद जो है एक के बाद एक बढ़ता गया और वहाँ पर भीड़ जमा हो गई, सारे लोग चिल्लाने लगे, सारे लोग जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगा। और उसके बाद जो है अकोलिया की जो ग्रैंड मदर थी, दादी थी, वो भी आती है और वो उन लोगों को रोकने की कोशिश करती कि तुम लोग इस तरह की चीज़ें क्यों कर रहे हो, ठीक है, क्रिसमस क्योंकि बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है तो इस टाइम पे ऐसे दिन में तुम लोग इस तरह के काम क्यों कर रहे हो। They would not listen to the old woman and nearly knocked her off her feet, and she would not have been able to quiet the crowd if had not been for Akolia and Malaysia themselves. While the women were abusing each other, Akolia had wiped the mud off her frock and gone back to the puddle. She took a stone and began scraping away the earth in front of the puddle to make a channel through which the water could run out into the street. Presently, Malaysia joined her and with a chip of wood helped her dig the channel. Just as the men were beginning to fight, the water from the girl's channel ran streaming into the street towards the very place where the old woman was trying to pacify the men. The girl followed it, one running each side of the little stream. Catch it, Malaysia, catch it, shouted Akolia, while Malaysia could not speak for laughing. इसके बाद क्या होता है कि जैसे कि जब वो ग्रैंड मदर आ जाती हैं, सबको चुप कराती है, लेकिन कोई भी चुप नहीं होता। लोग जो औरतें होती वो एक दूसरे को गाली गलौज करती रहती हैं। तो उस टाइम में क्या होता है कि अकोलिया जो है वो क्या करने लगती है, एक स्टोन से वो ज़मीन खोदती है ताकि पानी जो पडल में जमा था वो वहाँ से निकल जाए। और उसके बाद जो है क्या होता है कि मलाइशा भी उसको ज्वाइन करती है और एक लकड़ी का टुकड़ा लेके वो भी रास्ता बनाती है ताकि पानी वहाँ से बहने लगे। और उसके बाद जो है दोनों ने रास्ता बना दिया और उसके बाद जो है पानी गली की तरफ बहने लगता है और दोनों जो फ्रेंड्स होती हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के जो है खेलने लगती हैं।
ठीक है, हाईली डिलाइटेड एंड वॉचिंग द चिप फ्लोटिंग ऑन देयर स्ट्रीम द लिटिल गर्ल्स रैन स्ट्रेट इनटू द ग्रुप ऑफ वन मेन एंड द ओल्ड वेमेन सीइंग देम सेड टू द मेन आर यू नॉट अशेम्ड of yourself to go fighting on account of these lazies? Why, when they themselves have forgotten all about it and are playing happily together? Dear little souls, they are wiser than you. The men looked at the girls and were ashamed and laughing at themselves. Each went back to their own homes. इसके बाद जब वो खेलने लगती हैं, खेलते खेलते जब वो क्राउड के पास पहुंचती हैं जहाँ पर जो है वह ग्रैंड मदर भी होती है और सारी भीड़ जमा होती है, तो वहाँ पर ग्रैंड मदर जो है उन लोगों को देखकर लोगों से कहती हैं कि क्या तुम लोग को शर्म नहीं आती है, तुम लोग इन बच्चों के लिए लड़ रहे हो जो कि लड़ने के बाद जो है अब साथ में खेल भी रहे हैं, खुश भी हैं, लेकिन तुम लोग जो हो इन एक छोटी सी बात को लेके इतना ज़्यादा जो है एक दूसरे से क्या कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, ठीक है। और क्या कहती हैं कि ये जो बच्चियाँ हैं ये तुम लोग से ज़्यादा अकलमंद हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है सारे लोग अपने शर्मिंदा हो जाते हैं खुद के ऊपर, और उसके बाद जो है सारे अपने घर वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो इसके ऑथर जो है वो कौन है, लियो टॉल्स्टॉय हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।